भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसको देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेशी भी नमन करते हैं, यहाँ आते हैं और इसकी चरण रज को वो सिरोधार्य करते हैं। ऐसे ही संस्कार यहाँ की पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहते हैं। और जिलों की नगरी उदयपुर में हम चलते हैं और यहाँ पर संस्कारों की बात हो रही है सकल दिगंबर जैन समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में। मुख्य अतिथि के तौर पर आए राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बेटियों की पीड़ा और बेटों के संस्कारों को लेकर जो मंच पर अपनी बात कही तो दिल भर आया नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का। क्या कहा इस आयोजन में बेटियों ने और क्या कहा आयोजकों ने और क्या कहा आने वाले युवक युवतियों के परिवारजनों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। आयोजन सकल दिगंबर जैन समाज का आप देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर में। यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है पूरी तरह से धमाकेदार यह आयोजन है और इसकी शुरुआत ही अगर धमाकेदार है तो आयोजन की आप कल्पना कीजिए कि किस तरह का और किस स्तर का यह आयोजन हो रहा है। सकल दिगंबर जैन समाज का यह आयोजन दशा हुमड़ समाज की ओर से हो रहा है और यहाँ देश भर से जो प्रतिभागी आए हैं वो अपनी प्रतिभा मंच पर दिखा रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो आप दृश्य देख रहे हैं वो अपने आप में यह प्रदर्शित करता है कि अपनी कलाओं से हमने अब तक सब कुछ हासिल कर लिया है लेकिन हम अपने संस्कारों को भी नहीं भूले। यही बात आने वाले प्रतिभागियों ने भी कही, परिवारजनों ने भी कही और यहाँ आने वाले अतिथियों ने भी कही। हम जहाँ पर भी जाएं, चाहे देश में हो या विदेश में हो, अपनी संस्कृति को नहीं भूलें जो हमारी अमिट हैं और पीढ़ियों दर से पीढ़ियों तक यह बनी रहती है हमारे साथ में। क्या कहना है इस संस्कृति के बारे में अतिथियों का, क्या कहना है इस संस्कृति के बारे में परिवारजनों का और क्या कहना है इस संस्कृति के बारे में प्रतिभागियों का। यह दृश्य आप देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर में। यह धमाकेदार युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन आप देख रहे हैं बड़े उत्साह और उमंग के वातावरण में। आतिशी नज़ारे जो आप देख रहे हैं स्टेज पर, हर चेहरे पर खुशी आपको देखी जा रही है और इसी उमंग के साथ में, इसी उत्साह के साथ में कि आने वाली पीढ़ियों को हम एक योग्य वर दें, योग्य वधु दें और आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसे संस्कारों से सुसज्जित करें कि हमारा धर्म बचा रहे, हमारी संस्कृति बची रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे को याद करें। और गुजरात में भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मतलब कि मेरे दाहोद से नज़दीक का स्टेट के पापा मम्मी से मैं दूर ना जा पाऊँ। नहीं, वो कोई भी चलेगा पर व्यवहार में अच्छा होना चाहिए और लुकिंग वाइज भी होना चाहिए। तो आपका मतलब क्या मन रहेगा कि ससुराल में ज़्यादा समय निकले या वो पापा के पास आता रहे। तो सुना आपने कितने दिल से यह बेटी बोल रही हैं, यही है हमारी भारतीय संस्कृति और इसी पर नाज करने यहाँ पर विदेशी भी आते हैं और यहाँ हमारी संस्कृति को नमन करते हैं। एक बेटी 100 कुल को तारती हैं, किस बात पर दिल भर आया नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का।
आप भी देखें। जहाँ कहीं भी बच्चों को कष्ट आ रहा है तो इस कारण से नहीं, अलग उसके कपड़े पहनने के अच्छे हैं खराब है, लेकिन उसके आचरण के कारण से बच्ची जो परेशान होती है उसके कारण से वो दम तोड़ देती है। और आप और हम सब जब देवी पूजन करके बच्ची को विदा करते हैं ना तो दिल भर आता है, क्योंकि जिस ढंग से पालते हैं उसके बाद उसका जीवन अगर कष्टमय हो जाए। इस बात का ख्याल कर रहा कि मैं सोचता हूँ कि उस बच्ची को और बच्चे को इस बात का चयन करने का अधिकार देना, दे तो मत करना, ताकि वो अपने जीवन साथी को सही ढंग से ढूंढ सके। और समाज में ये जो संस्कारों की कमी आ रही है इसको भी विचार करो, आप समाज के साथ प्रबुद्ध लोग बैठे हो, अगर हमने अपने बच्चों को संस्कारों से नहीं जोड़ा तो हमारा बुढ़ापा भी बिगड़ेगा। इस विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है आज की तारीख में, क्योंकि जिस वातावरण में आज बच्चा रहता है, जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा होती है, जहाँ वो विदेश जाता है और कहीं भी जाता है, उसकी मजबूरियाँ होती हैं। कई बार हम केवल बच्चे को दोष देकर के बरी नहीं हो सकते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा है, परिवार की भी जिम्मेदारी उस बच्चे को संभाल के रखने की। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़े काम को आपने हाथ में लिया, इसको निरंतर चलाएं, सातवा है हर साल हो, मैं सोचता हूँ कि सब लोग इसमें भाग लें और सभी लोग इसमें सहभागी बने। अभी अशोक जी कह रहे थे समाज के इतने दाम जाता है, ये कोई प्रभु कृपा है भैया आपके ऊपर, लक्ष्मी जी इतनी जो राजी होती है ना वो आपके गुणों और आचरण के कारण से होती है। अगर आप ये आचरण और गुण छोड़ दो ना तो 3 दिन में वैसे ही बर्बादी के रास्ते पर अपने आप बढ़ जाओगे, इस बात का ख्याल कर। ये जो कुछ भी संपत्ति और जो कुछ भी आनंद है ना वो हमारी दिनचर्या का, हमारा जीवन का, हमारा साधु संत है उनके उपदेशों का प्रभाव है, जिसके कारण से हम हर परिस्थिति में से निकलने की ताकत रखते हैं। उतार चढ़ाव व्यापार में भी आता है, उतार चढ़ाव जिंदगी में भी आता है, लेकिन हम कभी हिम्मत नहीं हारते। उसका कारण है कि हमारे दिल और दिमाग पर कोई ना कोई ऐसे संस्कार हमारे माता पिता ने डाले हैं कि हम उस सब में से पार करते हुए निकलते हैं और अपनी जिंदगी बनाते हैं। मैंने 40 साल में आपके संपूर्ण समाज को भी सुधरपुर में देखा है। 40 साल पहले आपका समाज कहाँ था और आज समाज कहाँ है? यह जो तरक्की है ना, ये तरक्की उन संस्कारों के कारण से, जिसके कारण से आपने सही रास्ता लेकर के आगे बढ़े, तो यही हमारी ताकत है। मैं चाहता हूँ कि अशोक जी आप और आपकी टीम को, हमें भी आपको बसंती राजी, मैं सोचता हूँ इस बारे में बहुत गहराई से विचार करो कि हमारे बच्चों के संस्कार ठीक रहें। इसकी चिंता आपको, हमको, हमारे साधु संतों सबको करना पड़ेगा। मैं जिस क्षेत्र में के लिए जेल जरूर है, लेकिन आचरण से जेल नहीं, जीवन की क्रिया से जेल नहीं। बहुत दुख होता है जिस समय कि हमको इस प्रकार के लोगों के साथ बैठना उठना पड़ता है, तो मन को बहुत पीड़ा होती है कि हम कहने के लिए आगे जैन शब्द लिखते हैं लेकिन हमारा खान पान और व्यवहार इतना नीचे चला जा रहा है, इसको रोकना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और सुख का कारण अगर कोई हो सकता है तो हमारा जीने का तरीका ही हो सकता है, जो हमको हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है। कमी ज़्यादा आती रहेगी लेकिन हम कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मैं सोचता हूँ कि एक बार आपकी सारी टीम का अभिनंदन करता हूँ, शहर की ओर से करता हूँ, बुलाते अशोक भाई साहब, मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ आपके काम को, रमेश जी भाई साहब आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, लेकिन यह सिर्फ परिचय समय में नहीं लेगा, इसके बाद क्रियान्विति करो, समय विवाद न करो, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको मिलाकर शादी तक ले जाने का काम तो आपका समाज करे, इसके लिए रमेश जी चिंता करने की आवश्यकता है। आदरणीय शांतिलाल जी भाई साहब भी हमारे शेठ साहब विराजमान है, मैं दिगंबर समाज के सभी साधवी भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार प्रयास करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है, चलने की आवश्यकता है, चरे वेती कभी किसी भी कीमत में पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे समाज का भाई अगर पीछे है तो वह कैसे आगे बढ़े, इसके चिंतन करने की आवश्यकता है। मेरे समाज का भाई दोनों टाइम अगर भोजन नहीं कर रहा है तो वह भोजन करे, इसकी आवश्यकता है। बाकी तो यहाँ पर पगड़िया और माला पहनना और अब चले जाएंगे बात कर, इससे समाधान नहीं होगा। आपने पुनः यहाँ पर बुलाया। भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसमें कई विविध रूप, कई विविध रंग आपको देखने को मिलेंगे, चाहे सामाजिक रूप हो, पारिवारिक रूप हो या देश का रूप हो। विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ा हुआ हमारा भारत एक निराला ही लगता है देश और दुनिया में। यहाँ पे जो भी आते हैं, चाहे जिलों की नगरी उदयपुर में आए या कहीं पर भी आए, यहाँ पर हर लोग आते हैं और यहाँ की धरा को नमन करते हैं। ये सूर्य की धरा है और यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर में महासम्मेलन हो रहा है, युवक युवती परिचय सम्मेलन हो रहा है, तथा हुमड़ समाज सकल समाज का और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अशोक जी शाह, इन्हीं से जानेंगे। आपने पहले भी कई सम्मेलन किए हैं और ये सम्मेलन एक नई दिशा देते हैं युवक युवतियों को, आने वाली पीढ़ियों को, और काफ़ी उनको सहयोग मिलता है जिन परिवारों के लिए एक लड़की ढूंढना या लड़का ढूंढना बहुत दुष्कर हो जाता है। ऐसे समय में आप ये सम्मेलन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? हेमंत जी, हमको बहुत खुशी हो रही है कि यह हमारा छठा
युवा परिषद सम्मेलन है, उससे पूर्व हमने 2009 में चालू किया था और उससे पूर्व हम सिर्फ सकल दिगंबर जैन दशावर समाज का ही करते थे, पर अभी कुछ हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों ने हमको राय दी कि सकल दिगंबर जैन समाज का करो, तो अभी इसमें हमारे लगभग जो दशा विशा उमर इसके बाद नागदा चित्तौड़ा सरावगी खंडेलवाल और उसके बाद में सभी मतलब समाज के लोग इसमें आ गए और जो आज का जो दृश्य देखा जो उपस्थित देखी उससे हम अभिभूत हैं और बस हम यही चाहते हैं कि जो बच्चे बाहर पढ़ के और नौकरी करके और मतलब इन लोगों को समय नहीं मिलता, पेरेंट्स को समय नहीं मिलता है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिले और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका एक दान इनका जो बच्चों का और बच्चियों का जो एक बच्चे बच्चियों को जो गर्भ सुनने का मौका मिल रहा है वो एक बहुत बड़ा मतलब एक हमारी उपलब्धि है कि हम इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों के अंदर में मतलब जागृति पैदा कर रहे हैं और समाज का लोग समाज में ही शादी करें ऐसी भावना के साथ इस कार्यक्रम को करते हैं। आप बताएं साहब आलोक जी, काफ़ी आप समाजों में जाते हैं, वर्तमान में ये सम्मेलन कितने सार्थक हो रहे हैं? आज के वातावरण में जिस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और हमारे बेटे बेटियां शिक्षा प्राप्त करके विदेशों की कंपनियों में और फॉरेन की कंपनियों में और सात समंदर पार जा करके व्यापार कर मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और जिस तरह से सांस्कृतिक हमला हमारे बीच में हुआ है, अलग अलग संस्कृतियों का जो हमला हुआ है और जो प्रदूषण फैला है उसके आधार पर इस तरह के आयोजन समाज की भावनाओं को जोड़ने के लिए कारगर उपयोग होगा। और आज जिस तरह से बच्चे बच्ची ने यहाँ पर इंटरव्यू दिया मंच पर बेबाकी से आकर के कि चाहे हम विदेशी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं लेकिन हमारी जड़ें समाज के साथ जुड़ी हुई है, परिवार के साथ जुड़ी हुई है और जो माता पिता कहेंगे उन संस्कारों से ओतप्रोत हम स्वजाति बहनों से भाइयों से भी हम आगे विवाह का जीवन बनाएंगे। तो ये जो संस्कृतियों का और संस्कारों का बीजारोपण ये समाज ने हमारे इसके लिए किया, इसके लिए मैं पूरे समाज को बधाई देता हूँ और नए बच्चों से भी प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी है, अपनी जड़ों से वो जुड़े रहे हैं। आप बताओ पवन जी, जिस तरह से सम्मेलन हो रहा है, आपने बहुत मेहनत की है और कई सम्मेलन आपने करवाए हैं, तो आप और भी आगे भी क्या परिकल्पना करते हैं? मेरा ये मानना है कि सम्मेलन के माध्यम से पूरे देश से भारत से यहाँ लोग आते हैं और आपस में रिश्ते तय हो जाते होते हैं, ऐसी बात नहीं रिश्ते नहीं होते हैं, परंतु ये ऐसा मंच है कि दूर दराज जो किसी को जानता भी नहीं हो तो यहाँ आकर के परिचय होता है, तो वो परिचय बढ़ता आखिर में कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ता है। और अभी ये हमने सकल दिगंबर जैन समाज किया है और पक्की बात है कि आने वाले समय में हम सकल जैन समाज करेंगे, इसमें श्वेतांबर दिगंबर समस्त जैन समाज होंगे, ये हमारी भावना है। होना चाहिए, बहुत बढ़िया हो रहा है ये। और मेरा कहना ये जो भी लड़कियाँ बाहर पढ़ने जा रही हैं उनको परिवार से अलग हो गए हैं, वो खाली पढ़ाई लिखाई और नौकरी में रह गए हैं, जो समाज को सोचने की क्षमता देता है वो ये सम्मेलन देता है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हम किस समाज से हैं और हमें कहाँ अटेंड करना है और हमारी शादी हमारे समाज में ही होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। युवा की युवतियों में बहुत ही खुशी ये देखी गई है कि जिनको पता नहीं चल रहा था और जिनके माँ बाप को भी पता नहीं चल रहा था कि हमें बच्चा कहाँ ढूंढना है, बच्चे को ढूंढने के लिए उनको परेशानी हो रही थी, तो ये सम्मेलन हुआ तो यहाँ आपस में परिवार मिल रहे थे, यहाँ पर भी आपस में पंडित से मिलान करवा रहे हैं, तो हमें खुशी तब हो रही कि जब परिवार यहाँ सगाई भी होने की संभावना हो रही है, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ये सम्मेलन और सार्थक हो जाएगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए कई आयोजन होते हैं, चाहे सामूहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन हो, सामूहिक विवाह का आयोजन हो या अन्य आयोजन हो, समाज को एक दिशा देने के लिए विभिन्न स्तर पर कई आयोजन होते हैं और हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं, यहाँ पर दिगंबर समाज का आयोजन हुआ है और जो मेल मिलाप का आयोजन जो एक महत्वपूर्ण है कि लड़का और लड़की ढूंढने में परिवार को बहुत परेशानी होती है, शादी के लिए योग्य मिले या नहीं मिले, किस तरह से लड़का मिलेगा, किस तरह की लड़की मिलेगी, एक हर परिवार को चिंता रहती है, लेकिन यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है वो एक विशेष रूप से यह आयोजन सबके लिए हो रहा है और सभी की चिंता दूर करने वाला हो रहा है। जी बताएं, क्या कहना है आपका इस? मेरे हिसाब से ये सम्मेलन होना जरूरी है क्योंकि इसमें मतलब सभी समाज के लोग, सभी दूर दूर के देश के लोग सभी एक साथ मिल सकते हैं और लड़के लड़की आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं और इसके अंदर जो लड़के लड़की से बात करवाते हैं उससे वो एक दूसरे को समझने में सब में अच्छा रहता है, तो मेरे हिसाब से सम्मेलन अच्छा है। सबको पहले तो मेरा जय जी है ना, ये हमारा दशा उमर दिगंबर समाज का परिचय सम्मेलन है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे पूरी समाज है और उसका परिवार है, जब तक आप परिवार को नहीं जानोगे तो आप डरोगे अपनी बेटी को किसी और घर में देने से। आप अपने परिवार को जान सकते हो, उस लड़के के लिए जान सकते हो, दूसरे और आते हैं उनको भी आप पूछ सकते हो कि परिवार कैसा है, कैसी है, अपनी बेटी को आप वहाँ पर आराम से ले सकते हो। और यहाँ पे युवक युवती आते हैं, बाहर पढ़ते हैं, वो भी यहाँ मिलते हैं, उनको पता चलता है कि हमारी सोसाइटी कितनी जगह फैली हुई है। उससे एक चीज़ यह रहती है कि हमारी बेटी दूसरे समाज में नहीं जाती है, वह प्रथा भी वहाँ रुकती है और अपने समाज की बेटी अपने ही समाज में रहती है, इसलिए हमें यह परिचय सम्मेलन कराना चाहिए। ये जो परिचय सम्मेलन हो रहे हैं
इस वजह से क्या होता है कि दूर दूर से पूरे भारत से लोग आते हैं, जैन समाज के लोग आते हैं और आपस में जानकारी लेके सब एक दूसरे को जानने का उनको मौका मिलता है और आपस में जान के उनके रिश्ते यहाँ पे तय होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह से ये जो परिचय सम्मेलन है जैन समाज के, इसे होने चाहिए और इससे सारे भारत के जैनों को आपस में एक होने का मौका मिलता है, सारे परिवारों को आपस में जानने का मौका मिलता है और सारे पढ़े लिखे उनके अच्छे अच्छे जो इंटेलिजेंट और अच्छे अच्छे डिग्रीधारी जो होते हैं उनको आपस में एक पोर्टल मिलता है, एक स्टेज मिलता है जहाँ पे ये आपस में बात करते हैं, जानते हैं और अपने रिश्ते तय करते हैं। मतलब जैन समाज में जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सब समाज अपने मतलब सब हमारे जैन समाज है, जो छः जैन समाज है वो इकट्ठा हो रहे हैं और मतलब जो भी है बहुत अच्छा है। सचखंड युवक युवती सम्मेलन है, इसमें युवक और युवती अपना परिचय देते हैं और एक दूसरे को समझते हैं और इसके नाम कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से बाहर से भी युवक और युवतियाँ दोनों आए, दोनों अपना एक दूसरे का परिचय देंगे और दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। इससे क्या है कि समाज के अंदर ही है जहाँ हमारी लड़कियाँ हैं और लड़के हैं जो बाहर से नहीं आए, आजकल बहुत सारे जो लड़कियाँ हैं बाहर जा रही है, तो इससे ये अच्छा है ना कि इस चीज़ भी मिल रहा है लड़कियों को, अपना परफॉर्मेंस देने में भी मिलता है इनको और इनको क्या है कि जो अपना जैन समाज के बारे में इनको पता चलता है कि अपना कितना अच्छा है और मतलब अपने आप को गर्व फील होता है कि है ना हम जैन समाज में हैं, अदर कास्ट के लिए बाकी कुछ और ही अलग है। इस परिचय सम्मेलन का बताओ। इस परिचय सम्मेलन का बहुत ज़्यादा ही महत्व है, ये परिचय सम्मेलन ऐसा है कि समाज को आगे ले जाता है, इसमें अलग अलग तरह की सारी युवक युवतियाँ आपस में मिलती हैं, उनका परिवार आपस में मिलता है, ये आर्थिक सहयोग करता है, सामाजिक सहयोग करता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात ये कि हमारे बच्चे हमारे जैन समाज में ही शादी करते हैं, इस तरह की व्यवस्था हमेशा हर समाज आगे अपने तरह से करता है। थैंक यू। आप बताओ, काफ़ी इसमें बाबा शाह भी आगे आते हैं और वो सहयोग भी करते हैं, और भी लोगों को किस तरह से सहयोग करना चाहिए ऐसे सम्मेलन के लिए, बताओ जी, बताएं क्या कहना। ये सम्मेलन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें युवक युवती सम्मेलन में सब मिलते एक दूसरे से, इससे सामाजिक सांस्कृतिक सारे आदर से मजबूत होते हैं, युवा पीढ़ी इस परिचय सम्मेलन में मिलती है और है ना अपने अपने समाज के अपने में ही रहते हैं, कहीं और नहीं जाते क्योंकि आजकल ये समस्या आ रही है, कहीं और मतलब शादी कर लेते हैं बच्चे लोग, कहीं अदर कास्ट में चले जाते हैं, तो अगर ये सम्मेलन होगा तो एक दूसरे से परिचय होगा क्योंकि हमारे समाज बहुत दिगंबर समाज बहुत बड़ी है, तो इससे एक दूसरे से मिलन होगा, तो इसके बच्चे क्या है किस पोजिशन में कौन सी कैटेगरी में ये सब जानते हुए हम अपने समाज के बच्चे अपने समाज में दे सकते हैं, इससे हमें बहुत लाभ होगा। ये सम्मेलन हर साल में एक बार होना चाहिए। आप बताओ। मेरा नाम जोशना शाह है। मेरा नाम जोशना शाह है और मेरे सगाई को हमारे दादा दादी करते थे, वही ठीक था। पहले ज़माने में ऐसा था कि भाई दादा दादी ने जो देखा वो सही है, बाकी तो लड़का लड़की मिलते ही नहीं थे कभी, कितना कुंडलियाँ देखते थे, वहाँ दादा दादी ने किया वो शादी करवा दी और छुट्टी वहाँ ससुराल आ गए, अब आगे जो करना होगा अब अच्छे अच्छे जीवन बिता रहे हैं, अच्छा जीवन बिता रहे हैं, मतलब वेल सेटल है। हम दीपा जैन हैं और मेरी सगाई तो ये मेरी ननंद है और इनके जो मासी थी, इनके जो मामी थी वो मेरे मासी होते हैं, तो उस नोन नोन में हो गई हमारी सगाई। मेरा नाम दीपिका जैन है। जो मेरी सगाई तो मेरी बुआ ने ढूंढी है, उन्होंने लड़का देखा हमारे, हम सेवन ब्रदर से आठ जेट दिया, लेकिन उन्होंने जॉइंट फैमिली ने देखी और उसमें संस्कार देखे, तो वो आज भी चल रहा है और हम आज भी साथ भाई जो है। जय जी देवी। मेरा नाम करिश्मा जैन है। मेरी सगाई तो एक ही जगह पर रहती थी, मैं वहीं रहती थी खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा में वहीं से ही पसंद आ गया, मतलब मम्मी पापा को जो पसंद आया उस हिसाब से हो गया और आज बहुत सुखी जीवन जी रही हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम निधि जैन है और हम लोग प्रतिष्ठा में गए थे, वहाँ मिले थे, उसके बाद से गई हुई और मेरा जीवन खुश हो गया। मेरा नाम हिना जैन है। हम लोगों की सगाई मेरी मामी के मासी की लड़की की होने की वजह से हुई है और सब परिवार वालों ने देख के फिर करा। हमारी सगाई तो छोटे बोले वो आए थे रिश्ता लेके, उनको फैमिली अच्छा लगा बैकग्राउंड, तो उन्होंने हमें रिश्ता बताया, हमें अच्छा लगा था परिवार वालों का तरीका और आज हम बहुत खुश हैं। नाम है आपका और क्या कहना? मेरा नाम श्वेता जैन है। हमारी शादी में कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि हम दोनों शुरू से बचपन से ही साथ ही खेले हैं। हाँ, एक ही परिवार के हैं, मतलब ऐसा थे समझो, और अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमने भी चॉइस से पसंद किया, हम दोनों समाज के हैं, हमारा घर भी पास में था,
तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहीं परिचय सम्मेलन जरूर नहीं पड़ी। मैंने भी अपने जीवन में पहले ही लड़का देखा पास किया, मैंने भी पहली लड़की थी पास किया, तो ऐसा मौका हमें नहीं मिला। और बच्चों की भी बढ़ गई है, सबकी लड़कियों की भी चॉइस बहुत बढ़ गई है। अभी सबको अपने करियर के हिसाब से चाहिए होता है, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर चाहिए, किसी को सीए है, तो सबकी प्रिफ्रेंस अलग अलग है, इसलिए ये प्रोग्राम कराना अभी आवश्यक हो गया है। और क्या कहना चाहते हैं इस सम्मेलन के लिए? मेरा नाम अर्षिता जैन है और ये सम्मेलन अच्छा है युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। और आज के ज़माने में इसकी क्या उपादेयता है? आज के ज़माने में लोगों को परेशानी कम होगी अगर ये सुविधा मिल जाएगी। अच्छा, आप जी बताएं क्या कहना है आपका, नाम बोलो आपका। मेरा नाम लीला जैन है, मैं सेक्रेटरी में रहती हूँ। हाँ, क्या कहना है इस सम्मेलन के लिए? इस सम्मेलन में आज के ज़माने में तो बहुत अच्छा ईजी हो गया है। पहले जब हमारी शादी होती थी तब बहुत डिफिकल्ट था, तो कैसे करना है क्या नहीं करना वो सब तय माँ बाप करते थे। जिलों की नगरी उदयपुर में युवक युवती परिचय सम्मेलन हो रहा है दिगंबर सकल जैन समाज का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी प्रतिभागी आए हैं वो प्रतिभागी भी हैं और उनके परिजन भी हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कि इनके मन में क्या है और किस तरह से ये परिचय सम्मेलन को सार्थक बता रहे हैं। आप बताएं क्या नाम है और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम पारुल जैन है, आपको सही परिचय सम्मेलन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, अच्छा। आप बताएं कैंडिडेट के रूप में आए हैं आप? मैं यहां पे कैंडिडेट हूं। अच्छा, किस तरह का दूल्हा आपको चाहिए? सिंपल और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और मुझे अंडरस्टैंड करें और डाउन टू अर्थ, यानी कि चाहिए कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए, एक दूसरे को समझे और सपोर्टिव होना चाहिए। मैं मंदसौर से आई हूँ और मैं अपने बेटे के लिए आई हूँ, शशांक मिंडा, और यहाँ की व्यवस्था वगैरह प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और मुझे काफ़ी रिस्पॉन्स भी। कैसी बहू चाहिए आपको? जो परिवार को लेके चले और सबको रेस्पेक्ट दे परिवार को, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, तो सबसे अच्छी वेल नेचर वाली होनी चाहिए। मैं सबसे पहले चिरंजीव शाह फ्रॉम मुंबई, मैं इस प्रोग्राम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये एक लाइब्रेरी की तरह है जहाँ आपको सारी किताबें एक साथ मिल जाती हैं। तो यहाँ हमें जैन धर्म के सभी युवक और युविका एक साथ एक ही स्थान पर मिल रहे हैं और उसमें से हमें जो जो आपको पसंद आ रही है, जो किताब या जो व्यक्ति, हमें वो चुनने का मौका मिल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा मंच है, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है वो शायद ही कहाँ मिले, तो ये काफ़ी अच्छा है। और बात करें जीवन साथी पे, तो मैं ये कहूँगा कि दोनों साथ मिलकर निभा सके एक घर, तो वो मेरी दोनों से अपेक्षा रहेगी, ना कि केवल जीवन साथी से, दोनों से वही अपेक्षा। तो यहाँ पे कोई पसंद आई आपको? वही अभी प्रोसेस चल रहा है। हाँ हाँ। पसंद करेंगे। आप बताएं कैसे आनंद आया आज? मैं अनिल मेहता उदयपुर दिगंबर जैन करता हूँ, समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हमारे समाज द्वारा युवा युवती परिचय सम्मेलन किया जाता है, यह हमारा छठा परिचय सम्मेलन था। इसमें हमने सारे राजस्थान इंडिया से हमें उम्र जैन सकल दिगंबर जैन समाज के परिचय को युवा योग्य लड़कियों को हम फॉर्म भरवाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से ये सब आता है। एक हम मंच के माध्यम से हम ये सब प्रोग्राम आयोजित करते हैं मंच पे। मेरा इस सम्मेलन के थ्रू यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लड़के लड़कियाँ यहाँ से पढ़कर बाहर गए हैं, जिनको समाज से थोड़ा दूर हो गए हैं, उन्हें इस सम्मेलन में आना चाहिए और अपने समाज को समझना चाहिए, अपने ही समाज में शादी करनी चाहिए, ये परिचय उनको देना चाहिए। तलाटी के लिए आयुष तलाटी, इंदौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, MNC कंपनी में है जापान की। और परिचय सम्मेलन एक प्रकार से कुबेर का खजाना है, यहाँ सभी प्रकार के युवक और युवतियों के लिए एक चॉइस करने के लिए एक खजाना टाइप का है। वहाँ पे अच्छी दिल है, अच्छी लड़कियाँ और अच्छे। यहाँ पे कोई पसंद आई लड़की? दो तीन लड़कियाँ देखिए बात चल रही है हमारी उनसे। पत्रिका मिलाना मेरा मेन उद्देश्य है, बच्चे की पत्रिका मिला करने वाला, हमारे पत्रिका मिलती है, मैं चाहता था हम अवश्य संबंध आगे बढ़ाएंगे। कार्य को पूर्ण रूप से सार्थक करने के लिए विशेष टीम रहती है और ये टीम आप देख रहे हैं, आप बताएं क्या कहना है? सर, मेरा नाम हेमंत छित्रिया है, श्री बाहुल युवामन संस्थान का अध्यक्ष हूँ और आज हमारे समाज द्वारा छठा युवा युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम युवा मंच के कार्यकर्ताओं की भागीदारी भी शामिल है। और हम एक ऐसा इस कार्यक्रम को एक वैसा वेल मैनेज, बाहर से जो ऑल इंडिया से लोग आ रहे हैं, किसी प्रकार की उनको असुविधा नहीं हो, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जो आजकल समाज में विसंगतियाँ फैल रही है, उस विसंगति को दूर करने के लिए हम जैन समाज, दिगंबर जैन समाज के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिन बच्चों के लिए युवक आप शामिल कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? बाहुल युवामन संस्थान अभी उदयपुर में ऐसा एक, मान लीजिए आपकी इसमें 127 मेंबर्स है, और 127 मेंबर्स जिसमें सारे के सारे डेवोटेड है, हमारे मंच के एक ड्रेस कोड है जिसमें सारे नजर आते हैं, जितने सारे धार्मिक सामाजिक सोशल जितने सारे इवेंट्स होते हैं, उन सारे इवेंट्स में हमारी भागीदारी समाज स्तर पर धार्मिक स्तर पर बहुत अच्छी रहती है। आप बताओ, संपूर्ण सहयोग करता है हर सामाजिक प्रोग्राम में, उसको सफल बनाने का। मेरा नाम लक्षिता है, मैं उदयपुर से ही हूँ और
और अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, बहुत जान पहचान भी हुई, पेरेंट्स को भी बहुत सपोर्ट मिला इससे, मेरे लिए जो ढूंढना चाह रहे उसमें हेल्प मिला, पेरेंट्स को पसंद आ जाए, सपोर्टिंग हो, केयरिंग हो, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सके और फैमिली को सपोर्ट कर सके। सामूहिक परिवार में रहना पसंद करेंगे या एकल परिवार? परिवार दुल्हन तो ऐसी चीज़ है कि घर में सबके साथ घुल मिल जाए। आप बताओ तो वही है, सबकी सेवा कर सके घर में, अच्छे घर से अच्छे रहिए, समाज का ये काफ़ी अच्छा आयोजन है, इससे सभी को प्रेरणा भी मिलती है और काफ़ी जो दूर दूर फैमिली रहती है, एजुकेटेड लड़के लड़की जो होते हैं बाहर रहते हैं, फैमिली में नहीं मिल पाते हैं, तो ये एक ऐसा अवसर है जहाँ सब मिलकर एक साथ एक दूसरे से परिचय हो सकता है, अपन अपने ही समाज में बच्चों को ढूंढ सकते हैं, अपने ही परिवार को परिवार से मिल सकते हैं, अच्छे परिवार में अपन अपने बच्चों को शादी कर सकते हैं। ये मिलन सभी जगह रहना चाहिए हर राज्य में। क्या नाम है और कहाँ से आए? जय जय, मैं उदयपुर का ही हूँ प्रॉपर, और मेरा नाम अभिषेक गंगावत है। मैं आपको दो शब्द बताना चाहता हूँ खाली, मतलब आने वाली जो धर्म पत्नी है या कैसी होनी चाहिए या लड़कियाँ कैसी होनी चाहिए, सबसे पहला मेरा ये कहना रहेगा कि अगर आप शादी करते हो तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने समाज में ही करें, और जहाँ तक हो अपने समाज यानी दिगंबर जैन समाज है तो दिगंबर जैन समाज या श्वेताम्बर कुश्वेताम्बर समाज, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन जितना हो कोशिश कीजिए अपने समाज में कीजिए। अपने समाज में करने से ये मैंने कि अपना रूप, अपना प्रभावी, अपना जो प्रेम, अपना जो घर बाहर पहचान सकते हैं, मेन बात। और दूसरा ये है कि अब आज के ज़माने में आप देख ही रहे हो, अगर कोई बंदा या बंदी बाहर पढ़ने जा रही है और बाहर पढ़ते पढ़ते उसका कहीं और दिमाग भ्रमित हो रहा है, क्यों हो रहा है वो तो आप सब जानते हैं, आज के क्लासेस, आज के जो नवयुग की ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जो चीज़ें सारी चल रही है, ऑनलाइन जो वेबसाइट है, ऑनलाइन सारी चीज़ें जितनी भी आप जानते हो, मैं किसी को बुरा नहीं चाहता हूँ लेकिन कहना भी नहीं चाहता हूँ कि बुरा बुरी चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों में लोग काफ़ी सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में बंदे ऑनलाइन लेक्चर नहीं अटेंड करके किसी और से बातें करने लगे, बस यही सारी चीज़ें हैं कि बंदी को या बंदे को गलत डाइवर्ट करते हैं। आज पता नहीं चलता, थोड़ा टाइम अच्छा लगता है, एक महीना दो महीना जब शादी हो जाती है घर वालों को भी अच्छा लगता है, लेकिन जब एक समय आता है दोनों के मेन काम नहीं मिलते, मूल नहीं मिलता है, दोनों की कास्ट नहीं मिलती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, समाज में उठना बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो यही मेन कारण है कि कोशिश करें अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने जिसमें, मैं नहीं कहता बहुत अच्छा। मैं अभिषेक भैया की बात को कंटिन्यू जारी रखते हुए कुछ बात कहना चाहूँगा कि अपनी सोसाइटी की लाए ताकि वो अपने समाज